चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो देन मैं हूँ जोया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली गॉर्जियस पार्टी मेकअप लुक विथ डिजाइनर साड़ी। एंड इस मेकअप लुक के लिए मैंने कोई भी ब्रशेस यूज नहीं किया है, एक भी ब्रशेस मैंने यूज नहीं किया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो जाने के लिए कि मैंने विदाउट ब्रशेस एक क्यूटिप्स के हेल्प से किस तरीके से ये वाली गॉर्जियस मेकअप लुक क्रिएट किया है, देन प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जो देखेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे मैं ऑफ कैमरा अपने स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है। टोनर एंड सीरम मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने आईब्राउज़ को फिल एंड ड्रा करूँगी। एंड आईब्राउज़ को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्राउज़ पेंसिल ले रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पेंसिल ले सकते हो। सो दोनों आईब्राउज़ को मैं सेम तरीके से बहुत अच्छे से फिल कर लूँगी। आईब्राउज को बहुत अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्पूल ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी एंड जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको मैं निकाल लूँगी। एंड हाँ गाइस, यहाँ पे मैं कोई भी ब्रश का यूज़ नहीं करूँगी जैसे कि मैंने बताया आपको पहले। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का क्यू टिप्स ले रही हूँ एंड पूरे मेकअप करने के लिए मैं क्यू टिप्स का ही यूज़ करूँगी, कोई भी मैं ब्रश यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से क्यू टिप्स की हेल्प से बहुत अच्छे से कंसीलर को इस तरीके से सबसे पहले अप्लाई कर लिया है। एंड बाय द वे यहाँ पे मैं मार्स का कंसीलर पैलेट यूज़ किया है, उसमें से ये वाला जो लाइट शेड है उसको लेकर के इस तरीके से मैंने एज माई आई शेडो बेस अप्लाई कर लिया है एक क्यू टिप्स के हेल्प से, आप देख सकते हो। एंड इस तरीके से मैंने सबसे पहले आईब्राउज को भी डिफाइन कर लेंगे इसी कंसीलर के हेल्प से। एंड ऑल्सो मैं आई शेडो बेस भी अप्लाई कर रही हूँ। एंड मैं यहाँ पे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से डैब कर लिया है इस तरीके से। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने आई लिट बहुत अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं ये वाला जो हिलरी रोदा का आई शेडो पैलेट है इन दी शेड 02, एंड इससे मैंने ये वाली जो पिंक शेड है उसको लेकर के इस तरीके से सबसे पहले मैंने एक क्यू टिप्स के हेल्प से मैंने अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं ये वाली जो डार्क ब्राउन एंड पर्पल शेड दोनों को मिक्स करके इस तरीके से अच्छे से आउटर कॉर्नर पे फोकस करके इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से प्लेस करूँगी ताकि आउटर कॉर्नर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। एंड आउटर कॉर्नर पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, इस तरीके से ब्लेंड करते जाना है जब तक आपको अपना मनचाहा कलर नहीं मिल जाता है, तब तक आपको इस तरीके से अप्लाई करते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने लिया और अप्लाई किया है। उसके बाद में फिर से वो जो डार्क ब्राउन कलर उसको लेकर के इस तरीके से मैंने आउटर कॉर्नर पर प्लेस किया है ताकि आउटर कॉर्नर थोड़ा सा डार्क हो जाए। और उसके बाद सेम कंसीलर पैलेट में से ये वाला जो कंसीलर शेड इसको लेकर के यहाँ पे मैंने हाफ कट क्रीज ड्रा किया है सेम क्यू टिप के हेल्प से, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद ये वाली लाइट गोल्डन शेड को लेकर के इस तरीके से मैंने फिंगर के हेल्प से प्लेस किया है इस तरीके से। ये वाला जो ब्राउन शिमरी शेड है इसको लेकर के इस तरीके से मिडिल में मैंने प्लेस किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लैक्मे का इंस्टा लाइनर अप्लाई कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं बहुत ही एक बेसिक सा विंग्ड लाइनर क्रिएट करूँगी। एंड दोनों आई मेकअप को मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए लैक्मे का एब्सोल्यूट
पॉपुलर परफेक्ट प्राइमर ले रही हूँ। आप कोई भी अपना चॉइस के अकॉर्डिंग प्राइमर ले सकते हो, बट ये वाला जो प्राइमर है बजट फ्रेंडली है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस तरीके से मैंने आप अच्छे से टी जोन एरियाज़ पे फोकस करके अच्छे से पूरे फेस पर प्राइमर को अप्लाई कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सेम कंसीलर पैलेट में से ये वाला जो ऑरेंज काइंड ऑफ शेड, इसको लेकर के अंडर आई पे जहाँ जहाँ पे हमारा थोड़ा सा पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैंने अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं येलो कलर को अप्लाई किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर को इस तरीके से अप्लाई किया है। तो ये बहुत ही क्रीमी शेड में है एंड ऑरेंज कलर को लेके मैंने इस तरीके से माउथ के अराउंड भी अप्लाई किया है। और इस तरीके से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सब कुछ। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन ले रही हूँ इन द शेड 01 एंड इसको मैंने बहुत अच्छे से एप्लीकेटर से सबसे पहले इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैप कर लूँगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट मैं सेम लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर को इस तरीके से अंडर आई पे थोड़ी देर के लिए अप्लाई करके छोड़ दूंगी। और यहाँ पे आप लूज़ पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सेम कंसीलर पैलेट में से एक कंटूर शेड को लेकर इस तरीके से थोड़ा सा कंटूरिंग कर रही हूँ स्पॉन्ज के हेल्प से। एंड नोज़ कंटूरिंग मैंने फिंगर के हेल्प से किया है, बहुत हल्का सा कंटूरिंग मैंने किया है। और इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सब कुछ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर है तो एक्स्ट्रा पाउडर को एप्लीकेटर के हेल्प से इस तरीके से निकाल लूँगी एंड पूरे फेस को सेट कर लूँगी उसी पाउडर से। उसके बाद मैं मिस रोज़ का ब्लाशर पैलेट में से ये वाला जो पिंक काइंड ऑफ शेड, इसको लेकर के इस तरीके से एज ए ब्लाशर मैंने अप्लाई किया है। बट यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज के हेल्प से ब्लाशर अप्लाई किया है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, बट इट्स ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर से पूरे मेकअप को सेट कर लिया है एंड नेक्स्ट में यहाँ पे मस्कारा अप्लाई किया है। मस्कारा अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने हाइलाइटर के लिए स्विस ब्यूटी का ये वाली हाइलाइटर अप्लाई किया है इन द शेड 02 और इसे हाइलाइटर को मैंने जहाँ जहाँ पे हमारा हाइलाइटेड पॉइंट है उन एरियाज़ पे अच्छे से हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे। फिंगर के हेल्प से मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद सेम आई शेडो पैलेट में से ये वाली जो ब्राउन काइंड ऑफ शेड है उसको लेकर के पहले स्मच किया, उसके बाद पिंक शेड को मैंने इस तरीके से स्मच किया है दोनों आईज़ पे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे NY वे का ये वाली वाइट काजल अप्लाई किया है एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ फॉल्स लैसेस अप्लाई करने के बाद, ताकि जो फॉल्स लैसेस है वो बिल्कुल नेचुरल दिखे। तो इस तरीके से मैंने अपर लैसेस को एंड लोअर लैसेस को बहुत अच्छे से मस्कारा से कोट कर लूँगी। उसके बाद लिप कलर के लिए यहाँ पे सबसे पहले मार्स का लिप लाइनर से अपने लिप्स को लाइन ड्रा कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिप कलर के लिए ये वाली ब्लाशेस का लिप कलर यूज़ किया है इन द शेड 04 और आप यहाँ पे कोई भी लिप कलर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी पिंक कलर आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। सो या दैट्स माय फाइनल लुक गाइस। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है एंड आप लोगों का सपोर्ट अभी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल है तो आप लोगों का सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज सपोर्ट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय बाय।